कुमार विश्वासी, एक सवाल खड़ा यह होता है जो कई बार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अक्सर यह आरोप लगाते हैं कि अगर आपको राज्यसभा सदस्यता मिल जाती तो शायद आप पार्टी नहीं छोड़ते। नहीं, दो अलग अलग बात है। कुछ लोग कहते हैं इसलिए बोल रहे हैं कि राज्यसभा नहीं मिली। मैं दुलता कहता हूं, मैं बोल रहा था इसलिए राज्यसभा नहीं मिली। मुझसे टीवी चैनल पर मुंह मत खुलवाइए। इस देश के पहले 5 बड़े चैनलों में वो पत्रकार आज भी नौकरी करते हैं जिन्होंने सेना से सबूत मांगने वाले वीडियो को पहले बैठ के वहां देखा था। टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़े जाने वाली उस ड्राफ्टिंग में फेरबदल की थी उन पत्रकारों ने। हाँ अरविंद जी, ठीक रहेगा, हाँ ये आप सही कह रहे हैं। मैं चुप हूं तो इसका मतलब आप ये मत समझिए कि मैंने लड़ना छोड़ दिया है। हथियार मैंने टांगे हैं, शमी के वृक्ष पे चलाना नहीं भूला हूं अभी। लेकिन तो क्या एक चीज इसमें नहीं, मैं आपको बताऊं तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि मैं तब भी बोल रहा था कि सेना के शौर्य के सबूत मत मांगो। युद्ध के लिए जाते हुए सिपाही के लिए वो रात सुहाग रात होती है और सुहाग रात के सबूत नहीं मांगे जाते हैं। 9 महीने बाद पूरे गांव को पता चलती है कि मन गई थी, पूरी सबको पता चली कि मनी उसके बाद जो हुआ। तो मैं तब भी कह रहा था कि सब बातें मत करो। देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ आदमी जो इतने बड़े बहुमत से चुना गया है उसके निजी जीवन पर घटिया टिप्पणी मत करो। हमसे तो मोबाइल छीनने जाते थे कि तूने क्यों नहीं रिट्वीट कराया, सब कर रहे हैं। मैंने कहा मैं नहीं करूंगा, तेरे बारे में भी नहीं करूंगा, किसी और के बारे में भी नहीं करूंगा। मैं नैतिक जीवन में, राजनीतिक आदर्शों में, जिस नेता से सबसे ज्यादा प्रभावित था बचपन में, किशोरावस्था में जिनको सबसे पास से देखा था, उनके जीवन से मेरी भाषा प्रभावित है, जिसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। मैं कोई ऐसी बात ना तब कहना चाहता था ना अब कहना चाहता हूं, और मुझे अपने जीवन की गति पता नहीं है। कल को अगर मैंने राजनीति में पुनर्प्रवेश किया तब भी मैं ऐसा ही रहूंगा। एक बड़ी ही अलग चीज है कुमार विश्वासी, और बड़ा इंटरेस्टिंग होगा यह देखना। हम यहां पर दिखाने एक रैपिड फायर राउंड, थोड़ा अलग रैपिड फायर जी। दो तस्वीरें होंगी, आपको एक पिक करनी होगी और मैं चाहूंगा कि हर जवाब पे जोरदार तालियां हो। तो आप लोग तैयार हैं रैपिड फायर के लिए? दिखाइए जरा, प्ले करिए। बेहतर नेता कौन, राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल? इसमें से बेहतर हटाओ। अब बेहतर विचारक कौन, दिखाइए जरा, महात्मा गांधी जी या डॉक्टर हेडगेवार जी? दोनों का विचार बेहतर है, मैं दोनों से सहमत हूँ, उनसे भी सहमत हूँ, इनसे भी सहमत हूँ। और एक ध्यान से देखो तो दोनों भी एक दूसरे से सहमत हैं, और वो प्रश्न क्या है पता है, किस शब्द पर सहमत हैं? वो है राष्ट्र, बापू के लिए भी और डॉक्टर साहब के लिए। अगला सवाल जो है उसका जवाब वैसे आप दे चुके हैं, लेकिन फिर भी प्ले ऑन करिए जरा इसको यहां पर। अगला सवाल कुमार विश्वास जी के लिए, पहले क्या, गीता या संविधान? संविधान। संविधान, तालियां जोरदार। अब तीन तस्वीरें आएंगी, दिखाइए जरा, प्ले ऑन करिए। बेहतर मुख्यमंत्री कौन, योगी आदित्यनाथ जी, अशोक गहलोत जी या भगवंत मान जी? तीनों बहुत अच्छे हैं। भगवंत तो मेरा छोटा भाई है, वो तो बहुत बढ़िया है। एक बताइए आप। देखिए, भगवंत को मैं पार्टी ज्वाइन कराई मैंने, और बहुत ही बेहतर इंसान है, अच्छे मनुष्य हैं भगवंत। अशोक गहलोत जी की तारीफ इसलिए है कि भारतीय राजनीति में इतना विनम्र नेता नहीं देखा गया जितने अशोक गहलोत हैं। 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी अद्भुत विनम्रता है। और योगी आदित्यनाथ एक बड़ा बिखरा हुआ अराजक अनुशासनहीन कुनबा, उसके ऊपर डंडा लेके जो आदमी खड़ा होना चाहिए उसमें ठीक आदमी है। तो तीनों अच्छे हैं, मैं तीनों मुझे पसंद है। ठीक है, अब आइए जरा अगला सवाल प्ले ऑन करिए। तालियां वैसे नहीं हो रही, मैं देख रहा हूं। बड़ा धरती पुत्र कौन, वाजपेयी जी, मुलायम सिंह यादव जी, इंदिरा गांधी जी या प्रधानमंत्री मोदी जी? ये रैपिड फायर ही बेकार है। निश्चित रूप से जो भारत का बड़ा बड़ा विचार है, भारत जिसे कहते हैं, उस विचार में तो आपने क्रम पहले नंबर पर ठीक रखा है। ठीक, आदरणीय अटल जी बड़ा भारत का विचार है। क्रमवार मुझे बता दीजिए। देखिए, अटल जी तो लीग से अलग काम है, एक समावेशी राजनीति जो राहुल जी बोल रहे थे उसका बड़ा प्रतीक शास्त्र है। नेताजी इसलिए क्योंकि जमीन की पकड़ के नेता नहीं है, एजेंसी के बनाए हुए नेता हैं कि ये ट्वीट हैशटैग चला दो, ऐसा कर दो, फोटो आप ले लो, इसका ये है। और भारत जब भारत बन रहा था, पहली बार अपने कदमों पे खड़ा होना चाहता था, ऐसे समय जिस दृढ़ता की आवश्यकता थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी में थी। और अब जो वैश्विक भारत है उसमें नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता अप्रतिम है। अब इसमें बुरा माने कोई भला माने, भाई राजनीति बेटरमेंट के चुनाव का काम है,
और बड़े फलक पर इस समय जो भारत में नेता दिखाई देते हैं उनमें नरेंद्र मोदी एक सक्षमतम नेता है इस समय, इसीलिए लोग उन्हें चुनते हैं। मैं वोट दूं ना दूं इससे क्या फर्क पड़ता है, ये वोट देना दे, लोग उन्हें चुनते हैं।